लगता है आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली, पर इसे करेंगे जितनी लंबी हो सके, क्योंकि सो हेलो एंड गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं उमेश और आप देख रहे हैं उमेश व्लॉग। सो गाइस, आज है 12 मार्च 2022 और सुबह के बज रहे हैं 8:10 हो चुके हैं। तो अभी मैं तैयार होकर ऊपर आया हूँ। आज बहुत ज़्यादा मैं लेट उठा रहा, और लेट उठने के बाद मैं बाहर वगैरह आया और मैंने पानी लगाया। जैसे ही बाल देखे मैंने, इतने बड़े बड़े हो रहे थे मेरे, और उसके बाद पानी मैं लगा के वहाँ पे मतलब गर्म करने के रखा। मैंने सोचा गर्म पानी से नहाऊंगा, बट थोड़ी देर बाद जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो बटन ही नहीं ऑन था और पानी एकदम ठंडा हो रहा था। तो फिर क्या करना था, फिर मैंने ठंडे पानी से नहाना पड़ा और धोबा लाया, और अद्भुत अदम्य साहस का परिचय देते हुए शक्तिमान वाला गाना गाते हुए मैं फटाफट नहा लिया। और नहाने के बाद जब मैं जोधवती करके बाहर आया और बालों में तेल लगाने लगा, तो देखा मेरे बाल इतने ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। तो मेरे को एहसास हुआ मैंने कितने महीनों से बाल नहीं कटवाए। और फिर उसके बाद मैं जोधवती करके और अभी ऊपर आया हूँ थोड़ी छत पे, और धूप भी एकदम बढ़िया वाली आ चुकी है। आज बहुत ज़्यादा लेट उठाऊँ मैं, क्योंकि पेपर ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा आराम से उठूँगा सुबह। बेफालतू में आज पढ़ा तो जाता नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था, मन नहीं कर रहा तो क्या ही पढ़ा जाएगा, इसलिए मैं उठा नहीं। और अभी आप देख सकते हैं सारी और शांति है बिल्कुल, सब लोग अपने अपने कामों पे चले जा चुके हैं। दादी भी बाल बना रहे अपने छत पे धूप सेकते सेकते, और गेहूँ यहाँ पे अभी ऐसे ही रखे हुए हैं, अभी धोए मतलब सुखाए नहीं है। प्यांशु को आज स्कूल जाना था, उसका पेपर है, तो उसे वो गया हुआ है स्कूल पर। हम भी चलते हैं और खाना खाते हैं, लौकी सब्जी और रोटी बनाई हुई है, तो फटाफट खाते हैं। और ट्यूशन हमें भी 12 बजे जाना है, तो देखते हैं फिर क्या करना है, तब तक बने रहिए। और जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी गई वो उसे देख लीजिए। गैस एक मिनट, मैं कल भी एक बात बताने वाला था और मैं बताना भूल गया था, क्योंकि कल स्टेशनरी वगैरह लेने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। तो मेरे यहाँ पे गैस मैंने आपको बताया था एक निशान और था, तो आप एकदम ठीक हो चुका है, क्योंकि मैंने उस पर एक ऐसी चीज़ लगाई, ऐसा देसी जुगाड़ लगाया जो बहुत सारे भारतीय लगाते हैं, पर क्या पता आप लोगों में से किसी ने नहीं लगाया हो। तो जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें हो रहा था, तो वो देख सकते कि उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब लाल हो गया था, और मैं ट्यूब वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा था, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ से पड़ा, जिसका नाम है कॉलगेट। कॉलगेट ऐसा देसी जुगाड़ है जिसको मैंने थोड़ा सा रात को लगाया था, थोड़ा सा, और सुबह मतलब कल रात लगाया था मैंने, और कल सुबह एकदम ठीक हो गया था मेरा, इतनी जल्दी मतलब उसने असर दिखा दिया था अपना। बाकी और कोई किसी चीज़ ने अच्छा नहीं दिखाया था, पता नहीं उसके अंदर कुछ होता होगा जिससे ठीक हो गया। वो ठंडा ठंडा भी होता है, और थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा लगाया था और वो ठीक हो गया था। मैंने बहुत बार ऐसे ट्राई किया, जब भी मेरे चोट चोट लगते, घाव घू होते, तो उस पर कॉलगेट लगा दो, वो जल्दी से अपने आप को फिलअप कर लेता है। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा, जैसी जुगाड़ है यूज़ कर लेना, कहीं नहीं कुछ खराबी वगैरह कुछ नहीं होती। ये देखिए मैं ठीक हो चुका है, अब 2-3 दिन में दाग सा भी साफ हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो इसी के साथ पहले खाते हैं हम लोग खाना, और मिली थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी बज चुके दोपहर के 11, और अभी हम दोपहर नहीं हुए, अभी दोपहर होने में 1 घंटा पड़ा पूरा। तो अभी हम लोग को जाना है, मैं जा रहा हूँ ट्यूशन की ओर, और साइकिल भी ख़राब हो रही थी तो ये भी ठीक करवानी है। तो योगेश भी चल रहा है मेरे साथ, धूप एकदम तेज़ हो रखी है, अभी पेड़ों की छाँव में जा रहे थे, यहाँ पर अच्छा सा लग रहा है। तो अभी चलते हैं यहाँ पर ठीक करवाने, इसको शायद पंचर हो गया साइकिल ही पंचर ठीक करवानी है। और कल जैसे ही मैं स्टेशनरी लाया था, तो योगेश की कुछ स्टेशनरी रह गई थी, ये उस वक्त मतलब इसे डेकोरेटिव शीट्स लानी थी, तो वो लेने आ गया, वो भी लेने आया हुआ है। और प्यांशु को भी स्कूल से लेके आना था, तो उसका आज एग्ज़ाम था, तो 11:30 12 बजे के आसपास हो जाएगी उसकी छुट्टी, तो वो भी आ जाएगा। तो मतलब एक तीर से तीन चार निशाने लग जाएंगे, तो फटाफट सारे काम हो जाएंगे। अभी धूप हो रही है, तो फटाफट चलते हैं हम लोग भी, और मिलते सीधा आपको अड्डे पर। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी फरारी के गैराज में, यहीं से हमने अपनी फरारी ली थी, और अभी अंकल कुछ मतलब दूसरे किसी का वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अभी हमारा पंचर थोड़ी देर में लेगा। योगेश जा चुका है अपना सामान वगैरह लेने, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ। और यहाँ पे एक शायद ये मुरमुरे वाले अंकल हैं, उनका साइकिल का टायर ख़राब हो गया था, वो अपना चक्का पड़वा रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, और बैठे रहते हैं थोड़ी देर यहाँ तक। थोड़ी सी यहाँ पर छाँव है, थोड़ी शांति सी तो मिली, तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर भी इतना बड़ा। तो गाइस 10 वाली चोकोबार ले चुका हूँ मैं, और अकेले छुपके खा रहा हूँ ताकि कोई देख ना ले, यहाँ पे बस स्टैंड के पीछे छुपा हुआ हूँ मैं। तो अभी खाते हैं और चलते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ी छाँव भी है, तो चलेंगे फिर फटाफट। और अभी हुआ नहीं होगा वैसे काम वहाँ का योगेश का, तो मैं खाता हूँ और मिलते हैं। सो गाइस, मैं आइसक्रीम भी खा के आ चुका हूँ, और अभी भी यहाँ पर काम नहीं हुआ। तो अब वो दिन आ गए हैं जब मतलब आइसक्रीम खाने के दिन आ गए हैं। पहले हम जब छोटे हुआ करते थे, आइसक्रीम वाले का इतना ज़्यादा इंतजार करते थे, और अब तो आता ही नहीं आइसक्रीम वाला, पता नहीं क्यों। पिछले साल तो कोविड के कारण शायद नहीं आया होगा, तो क्या पता इस साल आए। तो अभी ये काम कर रहे हैं यहाँ पे,
तो हम भी देखते थे और फिर चलते हैं ट्यूशन। हो चुके हैं शाम के 5 और हम निकल चुके घर के बाहर, और अभी मैं ट्यूशन वगैरह जाके भी आ चुका हूँ, तो सारा वगैरह साइकिल वगैरह काम भी हो गया था। और हाँ, साइकिल की वो जो पीछे की मतलब गोलियाँ से होते बैरियर से वो ख़राब हो रहे थे, तो वो ठीक नहीं करवाए, बस पंचर वगैरह ठीक करवा के आए हैं, क्योंकि उस वक्त इसके पास उतने पैसे नहीं बचे थे। तो फिर ये दोबारा जाएगा कल परसों, और अभी तो जा रहे हैं घूमने के लिए, मैं अरुण और सब लोग जा रहे हैं आज, कुछ वहीं पे बताते हैं क्या काम करने जा रहे हैं, कुछ स्पेशल काम है, तो चलते हैं और मिलते सीधा आपको। गाइस अभी हम आए अमित को बुलाने के लिए, ये भी आ चुका है। अब अमित अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, उसके 2 पेज रह गए। मैं आ रहा नहीं था, यो बुला के लाए। अमित भी आ रहा है दोस्तों, इज माय स्टंट। बस बस बस, अगली स्पाइडरमैन तेरी पक्का, अगली स्पाइडरमैन में तेरे को ही बनाएंगे वो क्या कहते थे विलन भाई। पहले देखो अपना स्टंट, यहाँ पे पत्थर भी है, ठीक है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मेरे को ना मारी भाई। गाइस ये देखिए अमेरिकन शेपर्ड, ये जर्मन शेपर्ड नहीं है, नहीं बर्वालियन शेपर्ड है। देख आना, आ भी ना जाएगा भी पता लगे। तो अभी चिट्टी वाला देख रहा है गुस्से में। अरे चिट्टी वाला कहाँ गया, उसको चोट लगी थी। हाँ वो हाँ, यहाँ गए, वो नीचे बैठे हैं। ओ दिख गया, योलिया यहाँ पे छुपे बैठा है। इसको बेचारे को उस दिन चोट लगी थी, उसके बाद ठीक हुआ, शायद लेके गए हॉस्पिटल वगैरह। तो अभी अमित आता है और चलते हैं हम लोग, आज बहुत सीक्रेट जगह जाना है, एक बहुत बड़ा मिशन को क्लियर करना है, देख सकते। तो गाइस हम सारे के सारे लोग इतने सारे जने जा रहे हैं, जो मर जाता वो पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं। सही थे। स्टोरी सुना रहा है ये महान आदमी, ये महान आदमी स्टोरी सुना रहा है, इसकी स्टोरी सुन रहे हैं हम लोग। अरे इनको नहीं सुना रहा, इनको नहीं सुनानी। मतलब गरुड़ पुराण सुना रहे हैं, वो सुनते सुनते जाते हैं और वहाँ मुझे एक्साइटमेंट हो रही है देखने की यार। इसको एक सीरियल आने वाला है, उसकी इसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो बाकी इसके भाई वगैरह जा चुके हैं, तो हम भी चलते हैं फटाफट और मिलते हैं सीधा वहीं पे। ये तो मैं लगा दिया आग, और ये शक्तिमान बन रहा है, ये नहीं पता हाईवे है। अरे अरे अरे, एक को देख के दूसरा भी चढ़ा, और दूसरे को देख के तीसरा भी चढ़ गया। वाह जी वाह, ये देखिए गाइस, 3 पजामे, एक लोअर, एक पजामा, एक शॉर्ट। लोअर तो नीचे उतर गया, पजामे की बारी, फिर शॉर्ट की। अरे यार इसमें अंधेरा बहुत ज़्यादा आ रहा है। अरे बस आ जा, आ तेरे शॉर्ट भी नीचे गिर गया, आप पजामे की बारी है, पजामे नीचे उतर। नीचे जो मर्जी वाह, ये देखिए पजामा भी गया। तो ये लोग आगे बहुत ज़्यादा दूर पहुंच चुके हैं, और ये देख सकते हैं आप सारा कुछ ही हरा भरा, एक चादर सी बिछी हुई है अनंत तक, आपको सिर्फ चादर ही चादर दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। कितना मस्त व्यू आ रहा है, बस अगर ये धूप नहीं होती ना गाइस, शाम का टाइम होता तो क्या ही बताऊँ आपको क्या होता। बस इधर साइड तो जला दिया है, इधर साइड खर चुके हैं बसर। हाँ दूर से ना ऐसे लग रहा है जैसे चादर की तरह लग रहा है, एकदम प्लेन, एकदम चादर उड़ा दी नहीं जा, उसके ऊपर चल सका यूं लग रहा है। वो देखो गाइस, इंडियन आर्मी। सो गाइस हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, और ये देखिए सारे ये लोग खड़े थे फोटो खिंचवाने के लिए, मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी। सो गाइस ये देखिए, अब हमने प्लान बनाया कि कल हम आएंगे और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ फोटो शूट पे, क्योंकि कल संडे भी है और यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है गाइस। लोगो वगैरह बनाने का आइडिया मेरे को मिला, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपना एक लोगो बनाऊंगा, रुक जा भाई, अपना एक लोगो बनाऊंगा, पर आज अरुण की वजह से मैं लोगो बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे अरुण की फोटो नहीं आ रही, सिर्फ ब्लर ब्लर मतलब ब्लैक ब्लैक आ रहा है, और मस्त लग रही है फोटो तो। चल भाई चल चल चल, वीडियो नहीं आ रही। शक्तिमान, अबे मर जाएगा पागल इंसान, आराम से रुको। सो गाइस यहाँ से बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, बिल्कुल ब्रेक नहीं है। ये देखिए गाइस वो लोग आ रहे बच्चे। अरे योगेश ने मास्क नहीं पहना, फिर भैया राम सा, अरे भैया राम। ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सारी और एकदम सन्नाटा है, पूरा जंगल है, और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं एक्सरसाइज। अबे तोड़ दे। तो चलते गाइस हम लोग। सो गाइस यहाँ पे आए हुए हैं सारे बच्चे और एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये है निहाल, इसने और इसने तूने भी करा, इसने भी डांस क्लास ज्वाइन करी है, और ये इनका टीचर है, ये इन्हें डांस सिखा रहा है। मतलब यहाँ पे अभी पहले इन्हें एक्सरसाइज करवा रहा है, यहाँ पे स्टंट वगैरह करना सिखा रहा है, एक्सरसाइज हो रही है इनकी।
ये रेत बहुत ज्यादा वो है, नरम है, इसलिए यहाँ पे मतलब आसानी से लोग स्टंट वगैरह कर सकते हैं। और मतलब ये यही फायदा होता है इनका, मतलब नदियों का। अभी सूख गई है, मतलब बरसाती नदियाँ कभी कभी होती है, तो जींस नहीं पहनना थी भाई, लोअर वगैरह पहन लेता कुछ। अरे मार मत यार, अभी तो बच्चे हैं। और ये देखिए जूते उतार ले पजामे। तो हम भी आते हैं यार भाई, डांस करके दिखा जल्दी जल्दी। गुरु जी डांस करने के लिए बोलिए आप अपने स्टूडेंट को, कर कर दे भाई। तुम तो हट जाओ ऊपर। अरे गाना भी बता देना, ठीक है, मेरे बाद में गाना लगाना। कागज के दो पंख लेके उड़ा चल जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला आए रे। कागज के दो पंख लेके उड़ा चल जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला आए रे। उम्र का ये ताना खतरनाक खतरनाक एकदम जहर भाई, मजा आ गया। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। कर कर स्टंट कर, कर कर स्टंट कर। ये चल तू कर। हाँ बिल्कुल चोट नहीं लग रही इसमें, मैं खड़ा था ना कुछ यहाँ पे। अरे वाह जी वाह, वेरी गुड। हाँ तू भी कर, जूते उतार लेना पागल। ओ भाई टांगे थोड़ी मत तोड़ो तुम लोग बस अपने। तो चलते हैं फिर, ये लोग भी कर रहे हैं, हम भी करते हैं कुछ ना कुछ, और वीडियो कैमरा देते हैं। और ये लोग ऐसे ही खड़े हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी वो है, मतलब पेड़ी पेड़ है यहाँ पे। एक बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, मैं किसी दिन पक्का वीडियो बनाऊंगा एक बहुत अच्छी, कल ही शायद बना सकता हूँ मैं अगर मेरा मूड कर गया तो। अभी अरुण भी रेडी हो गया। अरे भाई वीडियो नहीं, हाँ सही है, चल चल ओए मरना नहीं है, लो भाई वीडियो बना ले। तो गाइस सबका फाइनल हुआ कि अभी ये लोग रेस करेंगे। मैंने मास्क उतार लिया, इसलिए मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा वातावरण है, तो मैं मतलब थोड़ी सांस लेना चाहता हूँ अच्छी तरह से। तो यहाँ पे अभी रेस लगाएंगे, और कैमरा किसी और के हाथ देता हूँ, मैं भी लूंगा क्योंकि मेरा मुंह उधर साइड होगा। तो चीटिंग है, इधर देखा भाई, चीटिंग है, चीटिंग है। इस लड़के ने जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मुझे टक्कर मार दी, इस करके मैं स्लो हो गया, वरना सेकंड तो आ जाता कम से कम। कर दे भाई। सो गाइस हम और ज़्यादा खोज करने जा रहे हैं, खोज नहीं कुछ और भी कहते हैं, नहीं सर्च भी नहीं कहते, एक और वर्ड है, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। वी आर एट द बैंक ऑफ द रिवर, अभी ज़्यादा इंग्लिश नहीं, हम नदी के किनारे पे हैं, और यहाँ पे इतना बढ़िया पेड़ मिला हमें। यहाँ पे वैसे नील गाय का खतरा है गाइस, तो अपनी सिक्योरिटी पे जाएं। हम लोग अपने साथ 10-15 बॉडीगार्ड लाए हुए हैं, तो कोई चक्कर नहीं है। और पेड़ पे चढ़ना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, एक दो बच्चों को छोड़ के उन्हें करना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे पेड़ के ऊपर चढ़ गया, तो मैं भी चलता हूँ भाई, तोड़ियो मत, ले पकड़, इस पे फोटो खींचेंगे भाई, रहने दे, तोड़ियो मत अरुण, जंपिंग जपांग बना देगा इस पर उसका भाई, टूट जाएगा। ये देखिए चलो मैं तो अपनी मस्ती, ओबा कुत्ते तो हमारी जान ले लेगा, ये इतना जल्दी आ जा, कुत्ता जान ले लेगा तेरी, देखेगा। पेड़ के चार बंदर,
आपको पेड़ पे चार बंदर दिख रहे हैं। छोटा बंदर है इधर देखो। लंगूर और लंगूर। ये है चार बंदर। ओए हम चार बंदर और लंगूर बनाते हुए वीडियो। उड़ उड़। और टूट गया। भाई मेरे को तो कुछ नहीं होगा, मैं तो नीचे ही हूँ। कृष्णा तू ही गिरेगा। आ जा इधर, आ जाने आगे तू। गाइस ये यहाँ पे, गाइस ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब इसके बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इसे देखिए कितनी नोक पे है। और फाइनल स्टेज गाइस, ये कैंडी क्रश की फाइनल स्टेज। मैं जीत गया हूँ माउंट एवरेस्ट पे। मैं सबसे ज्यादा चढ़ूंगा। अब नीचे जाएगा सबसे जीरो। जा 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 जीरो पे। ए शून्य मर गो लू भाई। बहुत तेज लगा था। गाइस आई एम ऑल्सो कमिंग ब्रो। अबे बनाना उतरेंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली, पर इसे करेंगे जितनी लंबी हो सके, क्योंकि यहाँ पे लोग स्टंट वगैरह कर ही रहे हैं और मजे आ रहे हैं बहुत ज्यादा। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी नहीं रहेगा। और वो वहाँ पे आपको शायद ना दिख रहा हो, पर वहाँ पे एक घर है बहुत दूर मेरे को दिख रहा है। किसी दिन कल आएंगे तो कल दिखाएंगे वहाँ पे। अभी तो यहीं पे मजे लेते हैं जितने ले जाते हैं। और बच्चे वहाँ भी खेल रहे हैं। और पीछे देख सकते हैं आप, ऊपर हाईवे और हम नीचे यहाँ पे घूम रहे हैं जंगल में। ये पूरा जंगल है, पूरा का पूरा। तो सो गाइस थंबनेल वगैरह भी हम लोग बना चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पत्थर से हैं, ये बांध के रखे हुए पत्थर यहाँ पे, उससे तार से ये बह के आए हुए पत्थर हैं। और ये लोग सबके सब यहाँ पे। तो थोड़ी शाम भी हो गई है और चलेंगे अभी थोड़ी देर में, फिर थोड़े बहुत और मज़े वगैरह कर लेते हैं। पर एक बात है गाइस, पूरा दिन एकदम मस्ती में निकल गया। मज़ा ऐसा आ रहा है ना, क्या ही बताऊँ आपको मैं। तो करते हैं और मजे। अरे और मंत्र पढ़ो जल्दी से। अरे जल्दी जल्दी थोड़े मंत्र पढ़ा। और बता गाइस, इन्होंने अपना नया मंदिर बना लिया और ये लोग स्टंट वगैरह कर रहे हैं फटाफट। और अब हम मंदिर को तोड़ेंगे। नहीं, ये है हमारा झंडा। इसमें हाथ मार ऐसे, रुक जा, झंडा निकाल। फास्ट पूरे हाथ को मार, पूरी सारी मिट्टी एक बार में निकाल दे रहा हूं। ऐसे हाथ से मारे, हाथ से लगती ऐसे मार। तो गाइस हम लोग फटाफट घूमने चले आए हैं। हमारे ऊपर चढ़ रही हैं गाड़ियां और हम उसके नीचे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मतलब जो जिन्होंने गायें वगैरह बांध रखी है, क्या कहते हैं उन्हें, चरवाहे बंजारे, एक शायद बंजारे चरवाए रही है गाइस। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अपने घर बना रखे हैं। और ये है पिटबुल, जर्मन शेपर्ड, सारी ब्रांड का कुत्ता, अकेली पावर रखता है, पूरे जंगल का राजा है ये। यहाँ पे शेर नहीं, इसलिए जहाँ पे शेर राजा नहीं वहीं पे कुत्ता राजा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी है। और अबे पाग आराम से हाँ, ओए आराम से, वेरी गुड। सब चढ़ गए, हम नहीं चढ़ेंगे क्योंकि जब आर हैविंग देखो, इफ यू आर हैविंग द बेस्ट अल्टरनेटिव गो। ओके ओके, इफ ओए यार चप्पल टूट गई रे, चप्पल टूट गई गाइस। जहाँ पे चढ़ने की बात है वंस मोर ये गया। जब हम पे अबे लैंडस्केप पर ना, लैंडस्केप थोड़ा, नो हमें फालतू में यहाँ से जंप मार के वहां जाने की क्या जरूरत है। इतना थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए, बेफालतू में हर जगह अपने आप को स्मार्ट दिखाना जरूरी नहीं होता। जब काम आसानी से हो सकता है तो आसानी से कर सकते भाई, लैंडस्केप कर ले। आई थिंक दिस इज बेटर। हम लोग भी इन लोगों भी होगी ट्रेनिंग वगैरह जो भी होनी थी, मतलब एक्सरसाइज वगैरह, तो कल आएंगे यहाँ पे अच्छे से ब्लॉग बनाने के लिए। गाइस ये देखिए देसी जुगाड़, यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। 10 करोड़ की चप्पल टूट गई है, 5 करोड़ के पत्थर पे लग के। तो अब इसमें हम 50,000 करोड़ का रस्सी लगा रहे हैं, रेशम की धागा। रहे मैं चप्पल दिखाना भूल गया, हाँ ओनली घर जाने के लिए 50,000 का रेशम का धागा, बस बहुत कम थोड़ा सस्ता सा ले लिया हमने। और अभी थोड़ी देर में घर जाके, फिर अभी तो 10 लाख की थी, फिर 12 लाख की चप्पल लेनी है हमें जाके। तो अभी टेम्प्ररी प्यार परिवार हो गया, तो चलते हैं हम लोग फटाफट। और जूते वगैरह पहन रहे बच्चे, पर ज़्यादा कमेंट ना करते हुए हम फटाफट चलते हैं और मिलते हैं सीधा रस्ते पर।
आज घर पे जाके ब्लॉग नहीं एंड करूँगा, रास्ते पे करूँगा क्योंकि घर पे एंड यार बहुत ज़्यादा स्पीड की हो रहा हूँ। 2x जैसे ही जुगाड़ हो चुका है हमारा, 50,000 करोड़ की बन चुकी है चप्पल। और ये है अमित सर, और करिए भाई स्टाइल दिखाइए अपना फेमस वाला स्टाइल। ऐसे ही थंबनेल में लगाऊंगा देख लेना। तो ये लोग देखिए कहाँ से कहाँ से, ओए ऊपर हाईवे आराम से। तो गाइस फटाफट चलते हैं हम लोग। ओ अरुण यार देख, तेरे को देख के करेंगे लोग फिर ऐसे। तो चलते गए हम लोग सीधे रास्ते से, ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट नहीं समझना चाहिए। ओए आ जाओ भाई बच्चों सारे जने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए गाइस चलते हैं। कौन सा मंत्र? फ्री फायर में सबके वन टैप लग जाए, सबको फ्री करैक्टर मिल जाए अगले अपडेट में। मिल जाएगा, टेंशन ना ले। पहले जैसे नूबड़े बन जाए। गेम बैन हो जाए इंडिया में प्रॉपर, चले ही ना। बैन ना हो तार लेवल की आईडी खराब हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस आज का व्लॉग हमारा पूरा हो चुका है। सो इसको जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब, वैसे तो शेयर करना सबसे इम्पोर्टेंट, व्यूज चाहिए हमें। और लाइक भी वो कर ही देंगे सर। मामा शादी नहीं होने वाली है खड़ा यार। सो गाइस अभी जैसे इस दिन ने भी आउटरो दे दिया तो मैं भी देता हूँ। आई होप कि आपको आज लोगों को क्या बोल दिया, आई होप कि आपको आज का लोग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अभी हम घर की ओर जा रहे हैं, और यहाँ पे जो घास कट रही थी वो भी मतलब जल रही थी, लगभग जल चुकी है, और अंधेरे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो बच्चे भी आगे जा रहे हैं, तो इसलिए अंधेरा ना हो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कर देता हूँ एंड, बहुत ज़्यादा हो गया लंबा। तो आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा व्लॉग को, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मज़े बड़े आए। आज पहली बार मेरे को व्लॉग बनाने में, वैसे तो रोज़ ही मज़ा आता है, ज़्यादा मज़ा आया, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस। तो इसी के साथ करते वीडियो का एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।